सत्य और जीवन सदा, तू ही है आसरा हे मेरे नाम, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय माता पिता, स्नेहमय बच्चों, हम इस चालीसा काल में हैं और आज के पहले पाठ और पवित्र सुसमाचार को यदि हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हमें ये मिलता है कि प्रभु ईसा मसीह हमें दयावान बनने के लिए कहते हैं। ज़रूर हमारी ज़िंदगी में कई बार हमने दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाई होगी, लेकिन चालीसा काल में विशेष रूप से माता कलीसिया हमसे तीन बातों के लिए गुजारिश करती है, और वो है एक प्रार्थना, दान और क्षमा। आइए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और अपने आप को इस मिसा बलिदान के योग्य बना लें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेरे कुवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे सभी कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और तेरी ही सहायता से पूरे हो। हम जो कुछ भी करें वह सदा तुझ में ही प्रारंभ हो और तेरे ही द्वारा अपने पूर्णता तक पहुँचे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिसे आप योग्य रीति से प्रभु के इस वचनों को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ, नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9, वचन संख्या 4-10। पाठ का मूल वाक्य है, हमने पाप किया है, हमने अधर्म किया है। हे प्रभु, महान एवं भीषण ईश्वर, तू अपना विधान बनाए रखता है। तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। नबी, तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया है। हे प्रभु, तू न्यायी है और यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, समस्त इजरायली, चाहे वे निकट रहते हो चाहे उन दूर देश में जहां तूने उन्हें विश्वासघात के कारण बिखेर दिया है, हम सब के सब कलंकित हैं। हे प्रभु, हम सब कलंकित हैं, हमारे राजा, हमारे शासक और हमारे पुरखे, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमारा प्रभु ईश्वर, हम पर दया दृष्टि करे और हमें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया
और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों, अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न न हो, शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार न कर। जय घोष। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, तेरे शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लुकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्यांश 36 से 38 तक। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, स्नेहमय बच्चों, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हम चालीसा काल में हैं, और चालीसा काल विशेष रूप से प्रार्थना, उपवास और दान देने के लिए माता कलीसिया हम सभी से आह्वान करती है। लेकिन आज के पहले पाठ में जिस तरह नबी दानियल का ग्रंथ हमसे कहता है, हे प्रभु, महान और भीषण ईश्वर प्रभु ईसा मसीह बहुत ही महान ईश्वर है, वो जो करता है, जो विधान उसने निर्धारित किया है समस्त मानव जाति के लिए, वह पूरा करता है। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने समस्त मानव जाति से यह कहा है, जिस तरह मत्ती अध्याय 28 वाक्य 20 में वह कहते हैं, मैं दुनिया के अंतिम घड़ी तक तुम्हारे साथ हूँ। कहीं बार हम ईश्वर की शिक्षाओं से दूर हो जाते हैं, हम उनकी शिक्षाओं पर चल नहीं पाते हैं, लेकिन वह दयावान है, वह अपने बेटे बेटियों पर दया दिखाता है, और जो उसके विधान में लिखा गया है वह पूरा होता है। क्योंकि मार्कुस अध्याय 13 वाक्य 31 में कहा गया है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, बल्कि मेरे शब्द नहीं टलेंगे। और इसीलिए हमारे पूर्वजगण, हमारे राजा क्यों ना हो, हमारे बाप दादा क्यों ना हो, वे सभी की सभी ईश्वर की शिक्षाओं से दूर हो गए हैं, वे विचलित हो गए हैं इस दुनिया में रहते समय,
वो ईश्वर की शिक्षाओं को उन्होंने सुना ज़रूर, लेकिन उन्होंने उनका पालन नहीं किया। इसीलिए नबी दानियल हमसे ये कहता है, 40 काल में हम लौट करके पुनः प्रभु के पास आ जाए। और आज के पवित्र सुसमाचार में जो संत लूकस से लिया गया है, इसमें स्पष्ट शब्द में कहा गया है, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो क्षमा करने के लिए सबसे पहले हमारे प्रभु ईसा मसीह ने हमें सिखाया है। यदि आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हो तो लूकस अध्याय 23 वाक्य 34 में वहाँ मिलेगा, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, उन्हें क्षमा कर दे। जिस तरह प्रभु ईसा मसीह को अपमान करने वाले, मारने वाले, और ये शब्द प्रभु ने क्रूस पर से कहा है, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दे। आज ईश्वर हमसे यही चाहता है कि हम दयावान बने, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत ही दयावान है। और वह कहते हैं जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावान है, ऐसे हमें बनने के लिए कहते हैं। इतना आसान नहीं हमें संसार में जीवन व्यापन करते समय कि हम दया, सहानुभूति, करुणा रख पाए, क्योंकि हम मानव होने के नाते हमारे में बहुत सारी कमजोरियां हैं। लेकिन प्रभु ईसा मसीह ये दया करने के लिए हमसे कहते हैं, क्योंकि प्रभु बहुत ही दयावान है। और वो हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर देखते हैं, हम औरों पर दोष लगाते हैं। कोई इंसान इस संसार में कोई भी एक नहीं कहता है कि मैं पापी हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं दूसरों की निंदा करता हूँ, मुझ में दोष भरा है, ये कोई भी नहीं कहता है। लेकिन वह सदैव कहता है कि सामने वाले को देख करके उसकी ज़िंदगी के बारे में वो बात करता है। हमारे लोगों में बहुत सारी ऐसी आदतें हो सकती है, मित्र हो, सहेलियां हो, फ्रेंड्स हो, हम बैठ करके औरों के बारे में बात करते हैं। इसीलिए प्रभु ईसा मसीह कहते हैं दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, किसी के विरुद्ध भी निर्णय ना दो। प्रिय माता पिता, यदि हम हमारी ज़िंदगी में किसी औरों की ज़िंदगी के लिए दोष लगाते हैं तो ईश्वर हमसे अनुनय विनय करता है, कहता है कि हम दोष ना लगाए। कम से कम ये 40 काल में हम ये निर्णय ले कि मैं दूसरों की बुराई ना करूं। क्यों बुराई नहीं करूं? क्योंकि प्रभु ईसा मसीह नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 4 में कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ईश्वर की नज़रों में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके सब मूल्यवान हैं। हो सकता है हमारा परिवार का कोई सदस्य मेरे लिए मूल्यवान ना हो, हो सकता है जो बहुर जीवन जी रही है सास उसके लिए मूल्यवान ना हो, माता पिता हो उनके लिए बच्चे मूल्यवान ना हो, लेकिन प्रभु की नज़रों में सबके सब मूल्यवान हैं। इसीलिए वो समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए अपने प्राणों को दे डालता है। और वो कहता है पूरी तरह से हमें क्षमा करते हुए हमें दया दिखानी है, हमें सहानुभूति दिखानी है। और वो कहते हैं दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरी भरी हुई, पूरी ऊपर उठी हुई, पूरी तरह से हमें देने की ज़रूरत है। प्रिय माता पिता, यदि हम कई बार हमारे दान को देते भी हैं, हम कुड़कुड़ा कर ना दे, हो सकता है हम हमारे लोगों को दान दे, हो सकता है किसी भी रूप में हम आर्थिक सहयोग दे, लेकिन माता कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि इस 40 काल में यदि हम दान नहीं भी कर पाए हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है, हम समस्त भारत देश के लिए प्रार्थना करें, धार्मिक राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से अनुनय विनय करें कि प्रभु की विशेष कृपा हम सभी पर बनी रहे। आमीन। हमारी
उपहारों को स्वीकारो भगवन, जिसे हम तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। देहों से बनी रोटी के साथ जीवन भी लाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार भी लाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, नूतन तू कर दे। आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले, आशीष दे दे उपहार ले ले। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो उपहार इस पवित्र वेदी पर रखते हैं उन पर दया दृष्टि डाल। ये भेंट हमारे पापों की क्षमा और तेरे नाम की महिमा के साधन बने। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मा त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हमें भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। कृपा है सभी हाथ जोड़े। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्त्रोत्र। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्ट का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में प्रलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम और प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग करके अपने आप के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति
सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेलने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेलने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेलने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, धन्य जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जिसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारे रक्षा करता रहे, आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ, आमीन। प्रसाद भजन। हे ईश्वर, तू मेरा हृदय फिर से शुद्ध कर दे, मेरे अंतरतम में नवीन और सुदृढ़ आत्मा जागृत कर दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे स्वर्गीय उपहारों से समृद्ध हो गए हैं, ये सदा हमारे लिए क्षमा और मुक्ति का स्त्रोत्र बने रहे। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। पापियों के कारण ईशा मसीहा, प्यारे मसीहा, ईशा मसीहा, प्यारे मसीहा। पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, लाखों सितम और जुल्म उठाए, लाखों सितम और जुल्म उठाए, इतना जुल्म और संकट को सहेंगे, इतना जुल्म और संकट को सहेंगे, कोड़ों से मारे गए हैं मसीहा, कोड़ों से मारे गए हैं मसीहा। प्राण दिए हम पापियों के कारण, प्राण दिए हम पापियों के कारण, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा, ईसा मसीहा, प्यारे मसीहा।